हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मीना की रसोई में। तो आज रक्षाबंधन स्पेशल वीक का तीसरा दिन है और आज हम बनाएंगे एक ऐसा मीठा जिसमें चीनी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। बगैर चीनी के ही एकदम परफेक्ट, एकदम मस्त सी मिठाई बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे खजूर बर्फी, जो है एकदम शुगर फ्री और आप इसे इजिली फास्टिंग के दिनों में यानी व्रत के टाइम पर खा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनका शुगर लेवल बढ़ जाता है और डॉक्टर्स ने उन्हें सख्त मना किया होता है कि आप मीठे का यूज बिल्कुल ना करें, लेकिन इस खजूर की बर्फी को शुगर के पेशेंट भी आराम से खा सकते हैं, क्योंकि खजूर में नेचुरल शुगर के साथ साथ फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। ऐसे में शुगर के यानी डायबिटीज के पेशेंट एक सीमित मात्रा में इस खजूर की बर्फी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये शुगर फ्री खजूर बर्फी बनाना। तो खजूर बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे खजूर। तो यहाँ मैंने पूरे 200 ग्राम खजूर लिए हैं। तो पहले एक चाकू से कट करके मैं इनके सीड्स को निकाल लेती हूँ। अच्छा, आप चाहें तो सीडलेस खजूर भी ले सकते हैं जो मार्केट में इजिली अवेलेबल है, या आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर खजूर के फायदे की बात की जाए तो खजूर खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और हमारे बोन्स भी स्ट्रांग बने रहते हैं, इससे डाइजेशन भी स्ट्रांग बना रहता है। तो इधर मैंने सारे खजूर में से सीड्स निकाल लिए हैं। तो अब लेंगे हम एक ब्लेंडिंग जार और इसमें खजूर को निकाल लेंगे। और अब बिना पानी डाले ही हमें इसे थोड़ा सा पीस लेना है, थोड़ी देर के लिए ही, जब तक कि इसका हमें एकदम कोर्स मिक्सचर ना मिल जाए। तो अब ये खजूर अच्छे से पिस गए हैं, तो अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये बहुत ज़्यादा पीसा हुआ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा कोर्स मिक्सचर का है। तो हमें इसी टेक्सचर का खजूर को पीस लेना है। तो इसको साइड में रख देंगे। और अब लेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने पहले यहाँ पे लिया है एलमंड्स यानी बादाम। तो अब मैं बादाम को छोटी छोटी पीसेस में कट कर लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़े से कैसिव्स यानी काजू, इसको भी हम छोटी छोटी पीसेस में कट कर लेंगे। और अब मैं ले लेती हूँ थोड़े से वॉलनट्स यानी अखरोट, इसको भी हम चॉप कर लेंगे। और अब मैं थोड़े से पिस्ता लेकर इनको 2 से 3 पीसेस में कट कर लूंगी। तो अब ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स कट हो चुके हैं। तो अब गैस पर मैंने चढ़ा दिया एक पैन और अब मैं इसमें डाल दे रही हूं अपने चॉप किए हुए बादाम, काजू, अखरोट। और अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ सीड्स। तो देखिए, यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़े से वाटरमेलन सीड्स यानी तरबूज के बीज, थोड़े से सनफ्लावर सीड्स यानी सूर्यमुखी के बीज, थोड़ा सा कुकुम्बर सीड्स यानी खीरे का बीज, और फिर यहाँ पे ले रही हूँ मैं थोड़े से पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। अब गैस ऑन करेंगे और इन सारे नट्स और सीड्स को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। जब इन सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को रोस्ट करके हम अपनी रेसिपी में ऐड करेंगे ना, तो इससे हमारी रेसिपी में एक क्रंची फ्लेवर आएगा। बस 2 से 3 मिनट इसे रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पर। इसे कंटिन्यू चलाते रहिए ताकि ये जल ना जाए। और देखिए, जब इसमें से ऐसे चटकने की आवाजें आने लगे ना, तो समझ जाइए कि ये बढ़िया से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ और अब इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं और फिर से अब गैस ऑन करेंगे। और अब यहाँ मैं ले रही हूँ अपने पिस्ते, जिनको हमने कट करके रखा हुआ था। तो अब पिस्ते को भी हम 2 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए, पिस्ते को हमने बाकी के ड्राई फ्रूट से अलग क्यों रोस्ट किया है, क्योंकि इसका यूज हम आगे गार्निशिंग में करने वाले हैं। और देखिए, अब ये पिस्ते भी रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको साइड में निकाल के रख लेते हैं। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ी सी पॉपी सीड्स यानी खसखस, जिसे पोस्ते का दाना भी कहते हैं। तो अब मैं खसखस को भी हल्का सा रोस्ट कर लूंगी। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बस 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे, जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए।
अब ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, आप ये देख सकते हैं। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे ठंडा करने के लिए। इसका यूज हम आगे बाद में करेंगे। अब एक पैन में मैं थोड़ा सा घी ले लूंगी और घी को अभी मेल्ट होने देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने जितना घी लिया है, आप उससे कम भी घी ले सकते हैं, एक छोटा चम्मच भी घी ले सकते हैं, उससे भी ये एकदम परफेक्ट बनेंगे और टेस्ट में भी कोई कमी नहीं आएगी। और अब जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगी, हम इसमें अपने खजूर के मिक्सचर को डाल देंगे और अब इसे हम 2-4 मिनट के लिए कुक करेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखनी है। इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे, लगातार चलाते रहिएगा जिससे कि पैन में लगने का डर ना रहे। और अगर खजूर की तासीर की बात की जाए तो खजूर की तासीर ठंडी होती है, इसलिए अगर आप खजूर को अपनी डाइट में लेते हैं तो इससे हमारी शरीर में वात और पित्त का बैलेंस बना रहता है। खजूर को खाली पेट खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद खजूर नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अगर आपको वेट गेन करना है, मतलब वजन बढ़ाना है, तो रात में सोने से पहले घी के साथ खजूर खा सकते हैं। और थोड़ी देर बाद ही हमें देखने को मिलेगा ये खजूर अब सॉफ्ट होने लगा है और इसमें घी पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। तो इसे लगातार लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाते रहेंगे जब तक कि इसका ऐसा सॉफ्ट सा मिक्सचर तैयार ना हो जाए। तो अब ये अच्छे से पूरा सॉफ्ट हो गया है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूंगी अपने रोस्ट किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स। तो यहाँ पर आज मैं ड्राई फ्रूट्स में यूज कर रही हूँ थोड़े से काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ते को रखा है मैंने इसकी गार्निशिंग करने के लिए। और सीड्स में मैंने 4 तरह के सीड्स यूज किए हैं यहाँ पे, तरबूज के बीज, सूर्यमुखी के बीज, खीरे के बीज और कद्दू के बीज। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स और सीड्स ऐड कर सकते हैं इसमें, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करते जाएंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स खजूर के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर और दालचीनी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो हमारा ये मिक्सचर हार्ड हो जाएगा। और अब जब सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं और जब इसका ऐसा लंपी सा डो जैसा तैयार होने लगे, तो अब इसे और कुक नहीं करेंगे, गैस को बंद कर दीजिए। और अब इस मिक्सचर को मैं अपने एक चकले पर निकाल लेती हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह थाली भी ले सकते हैं। तो अभी इस मिक्सचर को जरा सा ठंडा होने देंगे, ध्यान रखें कि इसको थोड़ा ही ठंडा करना है, वरना ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आप इसके रोल्स नहीं बना पाएंगे। तो अब हमारा ये मिक्सचर तैयार है, अब आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं या बर्फी। तो अभी मैं बर्फी बनाने वाली हूँ, तो इसका पहले हम ऐसे लॉग जैसे बनाएंगे और फिर इसके बाद हम इसको ऐसे रोल करेंगे, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसे रोल कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, इसका हमने एक लॉग जैसा तैयार कर लिया है। तो अब जो मैंने पिस्ते को रोस्ट करके रखा था, उसे हम इस तरह से चकले पे पूरा फैलाकर रख लेंगे और इसको हम ऐसे रोल करेंगे। और अब इसके बाद जो हमने खसखस रोस्ट करके रखा हुआ था, उसको भी सेम पिस्ते के तरीके से ही चकले पे फैलाकर रख लेंगे। और अब इसे फिर से ऐसे रोल करते जाइए और हल्का सा प्रेस करते जाइए, जिससे इसके ऊपर सारे पिस्ते और खसखस अच्छे से चिपक जाए और ये बहुत ही प्रेजेंटेबल दिखे। समझ लीजिए कि पिस्ते और खसखस की हमें इस पे गार्निशिंग करनी है। ये देखिए, ये रोल तैयार हो गया है। अब आप एक बटर पेपर या कोई एल्यूमिनियम फॉयल ले लीजिए और उसके ऊपर हम इस रोल को रखेंगे और फिर अपने हाथों से इसको अच्छे से एकदम टाइट रोल करते जाइए। तो इसे पूरा टाइटली रोल करने के बाद इसके साइड्स को भी मैं अच्छे से सील कर लूंगी, एकदम अच्छे से इसको पैक कर लेना है। और अब मैं लूंगी यहाँ पर एक पॉलीथीन, इसमें अपने रोल को रख कर मैं अच्छे से इसे रोल करते हुए पैक कर लूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ मैंने बटर पेपर का यूज किया है ना, तो फ्रिज में रखने पर ये गीला हो जाएगा, इसलिए मैं इसे पॉलीथीन में रखकर फ्रिज में रखूंगी। तो अब ये देखिए, ये रोल रेडी है और अब इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे कम से कम 1-2 घंटे के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से सेट होके पीसेस में कट करने के लिए तैयार ना हो जाए। और ये देखिए, पूरे 2 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है।
तो अब इसको मैं पॉलिथीन से निकाल लेती हूँ। अब इसका बटर पेपर निकाल लेंगे और अब मैं इसे किसी शार्प नाइफ से कट करूंगी ताकि क्लीन पीसेस निकले। आपको जैसे कट करना हो वैसे कट कर लीजिए। आप चाहें तो इसकी पतली पतली पीसेस भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने आराम से इसकी पीसेस अलग हो रही हैं। तो देखिए इसकी सारी पीसेस अच्छे से कट गई हैं और इसका अंदर से टेक्सचर देखिए कैसा है और ये कितना प्रेजेंटेबल और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको भी टेम्पटिंग हो रही है ना इसे देखकर। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स के साथ देखिए ये कितना फैबुलस लग रहा है। तो अब आप भी इस रक्षाबंधन पर ये शुगर फ्री खजूर बर्फी जरूर बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये कैसी बनी। बहुत ही ज्यादा हेल्दी टेस्टी और न्यूट्रिशियस भी है क्योंकि इतने सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स और जो सीड्स पड़े हैं। तो अब मैं आपको इसे स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख कर रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल आराम से 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए अब हमारी ये टेस्टी टेस्टी और हेल्दी सी शुगर फ्री खजूर बर्फी बनकर तैयार है। तो आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो मैं आपके साथ ऐसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज शेयर कर पाऊंगी ना। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ खास सी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस में रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।